हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 18 सितंबर, बात करेंगे येस बैंक के बारे में। आज येस बैंक के प्रमोटर्स के लिए एक डाउनग्रेड करने की न्यूज आई जो अपने आप में नेगेटिव थी, उसने येस बैंक को इम्पैक्ट किया और तकरीबन 1% की इनको गिरावट देखने के लिए मिली है। अब चूंकि देखिएगा, आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी के क्या हालात थे। देखिए, बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो तकरीबन हमको यहाँ हल्की सी 0.15% की एक हल्की सी हमको रिकवरी देखने के लिए मिली है। वही देखिएगा, HDFC आज की तारीख में सबसे बड़ा लूजर रहा, वही देखिएगा सेकंड नंबर पे यस बैंक रहा। अब चूंकि देखिए, यस बैंक के लिए अपने आप में कहीं ना कहीं सेकंड लास्ट लूजर होने का कारण है नेगेटिव न्यूज, क्योंकि देखिएगा शॉर्ट सेलर लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यस बैंक को, ऐसा राणा कपूर जी ने भी कहा था और हकीकत भी यही है। अब देखिए वो न्यूज देख लेते हैं जिसने आज की तारीख में इम्पैक्ट किया है। देखिएगा, केयर रेटिंग्स ने डाउनग्रेड किया है राणा कपूर की मॉर्गन क्रेडिट, जिसके पास यस बैंक के 3% के स्टेक्स हैं, उसने कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ट्रेड आज की तारीख में बढ़ा दिया। आप खुद देख सकते हैं ट्रेड कितना हुआ था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डाउनग्रेड करके मॉर्गन क्रेडिट को BBB की रेटिंग दी गई है जो पहले ए नेगेटिव थी। अब देखिए, जो घटाने के पीछे कारण बताया गया है वो यस बैंक के स्टॉक में जो प्राइस में फॉल आया है उसको बताया गया है और कहा गया है कि मॉर्गन क्रेडिट के पास यस बैंक के स्टेक्स हैं, इस कारण उसको डाउनग्रेड किया गया है। तो वो अपने आप में खुद देख सकते हैं किस तरीके से शॉर्ट सेलर हैमरिंग करने में बिल्कुल भी बाज नहीं आएंगे अगर उनको कोई भी ऐसी न्यूज मिलेगी जो यस बैंक से कनेक्ट करती है। अब उस चीज को देखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ रोज कहीं ना कहीं 12 करोड़ के लगभग ट्रेड हो रहा था, आज की तारीख में जहाँ ये न्यूज आई है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट भी नहीं करनी चाहिए थी यस बैंक को, वहां देखिएगा तकरीबन 18 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड हुआ है। फिर भी देखिएगा डिलीवरी जो है वो 1,16,00,000 के लगभग है, जो अपने आप में काफी अच्छी डिलीवरी है। बात करें तो पूरी 6.23% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिला है। वहीं देखिएगा 63,000 से ज्यादा बाइंग क्वांटिटीज लगी हुई है और देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग थी जो अपने सपोर्ट के लगभग थी 65.10 के लगभग, हमारी यहाँ पे देखिएगा गैप अप ओपनिंग हुई है। देखिए, गैप अप ओपनिंग होने का मतलब है कहीं ना कहीं लोग इसमें डिलीवरी जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव साइड है। अब देखिए, जो हमारी आज की तारीख में ओपनिंग होती है वो तकरीबन 90 पैसे ऊपर थी अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से, हाई लगाते हैं 66.45, तकरीबन 45 पैसे का एक हाई। उसके बाद देखिएगा, हाई लगाने के बाद लो बनता हमारा 61.70, यानी कि हमारा सबसे मजबूत सपोर्ट, जहां पे देखिएगा 4.30 रुपए के लगभग हमको गिरावट देखने के लिए मिली अपनी ओपनिंग से। हमारी क्लोजिंग होती है 64.10 के लगभग, जो कि देखिएगा तकरीबन 1.90 रुपए के लगभग आपको डाउन दिखाई देगी अपनी ओपनिंग से, लेकिन फिर भी आप देखें तो हम रिकवर कर गए हैं। और यहाँ पर जो गिरावट का कारण आज है वो कहीं ना कहीं इसने न्यूज ने इम्पैक्ट किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम देखते हैं देखिए किस तरीके से फ्यूचर्स का प्राइस हमको देखने के लिए मिला है। यहाँ पर देखिएगा फ्यूचर्स के प्राइस में भी गिरावट देखने के लिए मिली है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिएगा बढ़ा है, यानी कि शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। और बात करेंगे ऑप्शन चेन की, देखिएगा ऑप्शन चेन में जो चीज हमको देखनी है वो है देखिएगा यहाँ पर एट द मनी के पास, जहाँ पे देखिए हमारी जो सबसे ज्यादा डिलीवरी जो यहाँ पर हमको स्ट्राइक के पास सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने के लिए मिली है, यानी कि देखिएगा 60 की स्ट्राइक जो कि सबसे मजबूत हमारा सपोर्ट है, जहाँ पे 4,40,000 के लगभग पुट की राइटिंग हुई है, जहाँ पर देखिएगा 79 लाख से ज्यादा का OI लगा हुआ है। वहां पर अगर आप देखते हैं तो यहीं पे पुट राइटिंग हुई है, जिसके सामने देखिएगा 60 की स्ट्राइक में कॉल में तकरीबन आपको 5,39,000 की कॉल राइटिंग मिलेगी, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं पुट की राइटिंग से जो कि काफी ज्यादा है, यानी कि 49 लाख से ज्यादा OI यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो डेफिनेटली 60 अभी तो सपोर्ट है हमारा, और देखिए जो 55 जहां से हमको बढ़त मिली थी उसको भी देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 1,00,000 से ज्यादा का, देखिएगा 1,00,000 से ज्यादा का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे पुट की राइटिंग, जहाँ पे 50 लाख से ज्यादा का OI लगा हुआ है। अब चूंकि देखिएगा 60 हमारा एक सपोर्ट है, अब डेफिनेटली हमको यहाँ पे तेजी जरूर मिलनी चाहिए किसी तरीके से अगर यहाँ पे शॉर्ट्स खुलते हैं तो। अब चूंकि देखिए नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं तो 50 पर और 55 पर यहाँ पे आपको कॉल की कहीं ना कहीं हल्की फुल्की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे देखिए काफी मिला जुला रुख है, अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है,
अपनी तकरीबन 50 की स्ट्राइक पर आपको पुट की अनवाइंडिंग मिलेगी 2,66,000 की, और देखिएगा 40 की स्ट्राइक पर भी देखते हैं तो 44,000 से ज्यादा की यहाँ पर भी आपको अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी पुट की। तो मोटा मोटा अगर हम चीजों को कंक्लूड करते हैं तो देखिए, एक मजबूत रेजिस्टेंस जो पहले हमारा बैठा हुआ था 70 की स्ट्राइक पर, वो तकरीबन देखिएगा 65 पर भी एक हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, जहां पे देखिएगा 9,90,000 की आज की तारीख में ही देखिएगा कॉल राइटिंग हुई है, और देखिए तकरीबन 53 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है 65 की स्ट्राइक पर। और देखिएगा 65 की स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन आज की तारीख में पुट की 1,69,000 की यहाँ पर देखिएगा अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली है, जहाँ पे 46 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। तो डेफिनेटली 65 भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और देखिएगा 60 हमारा सपोर्ट है। देखिए रेजिस्टेंस हमारा है 65 और रेजिस्टेंस हमारा 70, वही देखिएगा जो हमारा सपोर्ट है वो है देखिएगा हमारा 60 और देखिएगा हमारा 55 एक सपोर्ट है। अब चूंकि देखिएगा मजबूत सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली 60 है, और इस चीज को आप समझिएगा, 60 हमारा मजबूत सपोर्ट है। अगर हमको पुल बैक मिलना होगा तो 60 से मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स भी बहुत खराब हो चुके हैं, इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वही चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। तो देखिएगा टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पर देखें तो हमारे बायर की स्ट्रेंथ लगातार घट रही है, तकरीबन 43.35 के लगभग हमारे बायर की स्ट्रेंथ हो चुकी है, जो पहले कभी 50 के लगभग पहुंच चुकी थी। आप देखिए हमने कहीं ना कहीं अपने काफी जो जितने भी हमारे एक्सपोनेंशियल एवरेज थे, चाहे 9 डेज का चाहे 21 का, उसको देखिएगा कहीं ना कहीं हमने ब्रेक किया है। अब हमको अगर तेजी मिलती है तो डेफिनेटली 60 के लेवल से मिलेगी। वही अगर हम आज की भी बात करते हैं तो तकरीबन 61 के लगभग तो गए थे। अब चूंकि देखिएगा शॉर्ट्स खुलने की देर है, अगर शॉर्ट्स खुलते हैं तो डेफिनेटली हमको कहीं ना कहीं एक पुल बैक मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर बड़े शॉर्ट्स खुलने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 65 और 70 पर कॉल की राइटिंग हुई है वो अपने आप में काफी अच्छा रेजिस्टेंस वहां पे बनाती है, इस चीज को आप बिल्कुल डेफिनेटली इग्नोर मत करिएगा। अब चूंकि जो चीज हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज की बहुत जरूरत है यस बैंक को, वरना देखिएगा शॉर्ट्स खुलने इतने आसान नहीं है, इस चीज को भी आप मान के चलिएगा। अब चूंकि 60 का लेवल ही एक हमारा अब मजबूत सपोर्ट है, वो अब हमको आगे देखने के लिए मिलेगा किस तरीके से देखेगा हमको पुल बैक मिलता है। तो चलिए फिर इसके साथ हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।